मकर संक्रांति के बाद पड़ने वाले दूसरे मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत बुढ़वा मंगल को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन के साथ खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर में कतारबद्ध तरीके से दर्शन के लिए आगे बढ़ने दिया जा रहा था। श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के पश्चात मंदिर में चल रहे मेले का भी लुत्फ उठाया। इसी के साथ बोटिंग, ब्रेक डांस, झूला, गन शूटिंग, राउंड झूला सहित अन्य झूलों का आनंद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कहा, गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा, सीमा देवी बहुत अच्छा लगा। क्यों आते हैं लोग आज के दिन? बस भगवान का दर्शन करने, खिचड़ी चढ़ाने। घूमने का दर्शन करने आते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आते हैं। जितेंद्र कुमार मीणा, हम राजस्थान से आए। आज बुढ़वा मंगल पे आप गोरखनाथ मंदिर आए, क्या कहते हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों आते हैं लोग यहाँ पे?
अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यहाँ पे मेला भी लगा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। मैं छोटेलाल यादव, राजस्थान से। हमने दर्शन किया और यहाँ पे बहुत भीड़ भी देखी हमें, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम बाबा से ये इच्छा कर रहे हैं कि सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो। और इसी के साथ हम राजस्थान से, हमें लोगों ने जिस हिसाब से बताया मंदिर की तारीफ की, वो ऐसा का वैसा लग रहा हमें जैसे पुराने समय में बाबा गोरखनाथ जो तपस्या की थी वो धुना भी हमने देखा। और जिस मंदिर की जैसे जैसे संत महात्माएं की वो तपोभूमि और उनकी तस्वीरें भी हमने इसके अंदर मंदिर के अंदर देखी, मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगा। और मंदिर के जहाँ अंदर आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि हमारी भी इच्छाएं पूर्ण होगी। इतना ही कहेगा। मीनल गुगनानी, मंदिर में आई है दर्शन के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। बहुत शांति है, सुकून है यहाँ पे। हम लोग महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के नागपुर से आए हम लोग। कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके।